दुनिया एक बाजार है और इससे कमाई करने के लिए बेरहम कारोबारी और निरीह ग्राहक दोनों मौजूद हैं। चालाक और क्रूर बाजार के हाथों ग्राहक को बचाने के लिए उपभोक्ता अदालत लेकर ग्राहकों के अधिकार बनाए गए थे। 15 मार्च यानी रविवार को विश्व उपभोक्ता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 1962 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को संदेश देते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों का जिक्र किया था। इसी दिन की याद में दुनिया भर में कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस से जो भी बुनियादी सुरक्षा के उपाय हैं, उनका पालन अवश्य करें। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकें। वायरस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं, उन्हें अपनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने को कहें। स्वस्थ रहें, सावधान रहें। रूफ फाउंडेशन द्वारा जनहित में जारी। आज के दिन को उपभोक्ता अधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कैनेडी दुनिया के पहले नेता थे जिन्होंने ग्राहकों के अधिकारों के बारे में सोचा था। ग्राहकों ने 1983 में पहली बार इस दिन की अहमियत को पहचाना और इस दिन को ही विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। हर साल इस दिन ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस दिन विचार विमर्श किया जाता है। गांव में अनाज के बदले सामान लेने से शुरू हुई मोहल्ले की दुकान आज बिग बाजार और बड़े बड़े मॉल का रास्ता पार करते हुए अब ऑनलाइन शॉपिंग तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ बाजार के नाम पर फ्रॉड के तरीके भी बदलते जा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर लोगों के साथ ठगी के तरीके लगातार बदलते जा रहे हैं। जाहिर है लोगों के उपभोक्ता अधिकार और उपभोक्ता अदालत में आने वाले मामलों का प्रारूप भी लगातार बदलता जा रहा है। इसी के साथ ग्राहकों को मिलने वाले अधिकारों से भी वक्त के साथ साथ काफी बदलाव होते जा रहा है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतौल इत्यादि संकटों से घिरा है। भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। इसे 2000 से लागू किया गया था। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वो धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वो इसकी शिकायत कर सकें। जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक सामान और सेवाओं की बिक्री के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार खरीदी गई वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, स्तर और मूल्य जैसा भी मामला हो के बारे में जानकारी का अधिकार ताकि उपभोक्ताओं को गलत व्यापार पद्धतियों से बचाया जा सके। जहां तक संभव हो उचित मूल्यों पर विभिन्न प्रकार के सामान और सेवाओं तक पहुँच का आश्वासन। उपभोक्ताओं के हितों पर विचार करने के लिए बनाए गए विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व का अधिकार। अनुचित व्यापार पद्धतियों का उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध निपटान का अधिकार और सूचना संपन्न उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने का अधिकार। अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने का भी अधिकार ये देता है। अब आपको हम ये बताते हैं कि उपभोक्ता अदालत में शिकायत कौन कर सकता है। किसी व्यापारी द्वारा यदि उपभोक्ता को हानि हुई है, खरीदे गए सामान में यदि कोई खड़ा भी है, किराए पर ली गई सेवाओं में कमी पाई गई है, विक्रेता ने आपसे प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है तो इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अब आपको हम ये बताते हैं कि शिकायत आप कहां कर सकते हैं। शिकायत कहां की जाए यह बात सामान सेवाओं की लागत अथवा मांगी गई क्षतिपूर्ति पर निर्भर करती है। अगर यह राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत करें। यदि यह राशि 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम है तो राज्य आयोग के सामने और यदि 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग के सामने शिकायत दर्ज करवाएं। वेबसाइट www.fcamin.nic.in पर सभी पते उपलब्ध हैं। उपभोक्ता या शिकायतकर्ता सादे कागज पर ही शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ताओं और विपरीत पार्टी के नाम, विवरण और पता, शिकायत से संबंधित तथ्य और यह सब कब और कहां हुआ आदि का विवरण, शिकायत में उल्लेखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज के साथ ही प्रामाणिक एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस कार्य पर नाम मात्र का न्यायालय शुल्क भी लिया जाता है।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।